मेरे प्यारे लॉस सैंटोस वासियों, आप सभी सोच रहे होंगे मैंने आप सभी को इतने खास दिन पर मिलिट्री बेस क्यों बुलाया। चाहता तो मैं स्टार्क मैंसन भी बुला सकता था, लेकिन अवेंजर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर जगह मिलिट्री बेस है लॉस सैंटोस की। तो आप सभी को मैं आज तक अधिक का दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार मैं दिखाने वाला हूँ। अरे किस तरह का आविष्कार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। हाँ गाइस, और हम पब्लिक में क्यों खड़े हैं भाई? हम तो अवेंजर्स के बराबर में खड़े होने चाहिए थे। टोनी तो मुझे जानता है, फिर भी देख लो कैसे एटीट्यूड में रहता है ना। तो दोस्तों, हमारे देश पर न जाने कितने अनजान देशों से हमले हुए हैं, न जाने कितनी सारी परेशानियां हैं। तो मैंने ठान लिया है कि देखिए आज मैं जेरोक्स मशीन से कैसे एक नोट का 1000 नोट बना रहा हूं। व्हाट? टोनी स्टॉक यहां पर सरकार के सामने भाई नोट छाप रहा है, जाली नोट? आप सभी सोच रहे होंगे सब नकली नोट होंगे। नहीं, ये असली से भी ज्यादा असली नोट्स हैं। और आज मैं इस मशीन के मदद से अपने आयरन मैन के 1000 वर्जन बनाने वाला हूं। व्हाट टोनी, ये क्या कह रहा है तू? और आप सभी अपनी सिक्योरिटी के लिए इन सभी आयरन मैन के सूट्स को खरीद पाएंगे। बिल्कुल भाइयों बहनों, आपने सही सुना, अब सबके पास आयरन मैन होगा। किसी को यहाँ पर किसी के दूसरे की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबके पास सिक्योरिटी होगी ना। तो चलो जावेस, जल्दी से यहाँ पर मशीन का बटन दबा दो और दुनिया को दिखा दो कैसे एक आयरन मैन सूट 10 सूटों में बदल जाता है, वो भी कुछ ही सेकेंड्स में। भाई साहब, सच में इधर आयरन मैन का सूट स्टॉक ने रखा तो उधर से आयरन मैन के सूट निकलने भी लगे। अरे फ्रेंकी भैया, ये तो कमाल की मशीन है, फिर तो हम भी आयरन मैन का सूट खरीदेंगे। क्या बात है, बट इनकी कॉस्ट कितनी है? एक सूट बस 1 करोड़ रुपए का है। 1 करोड़? ये तो अभी भी बहुत ही महंगा है, बट फिर भी यार इस सूट की रियल कीमत तो 100 करोड़ से भी ज्यादा है। बट टोनी फिर भी एक सूट 1 करोड़ में बेच रहा है। आ जाओ भाइयों बहनों, आ जाओ आ जाओ, जिसको जितने सिक्योरिटी के लिए सूट चाहिए, अपने काम के लिए सूट चाहिए, ले जाओ। भाई साहब, कितने रियल लग रहे हैं यार ये सारे के सारे आयरन मैन के सूट्स। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अभी भी कि टोनी स्टार्क ने एक ऐसी जेरोक्स मशीन बना ली है जो लिटरली में सिर्फ पेपर कॉपी नहीं करती, वो आयरन हो स्टील हो कुछ भी कॉपी कर डालती है। बिल्कुल भाई, इंसान भी कॉपी कर लेती है। बहुत बढ़िया बच्चे टोनी, मेरा को चाहिए 2 सूट। 2 करोड़ की पेमेंट डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ मैं। और चलो भाई, 2 सूट्स मेरे साथ आ जाओ। जाइए अंकल, जाइए, मजे कीजिए रिटायरमेंट के। ओ माय गॉड, लगता है वो कोई अमीर बिजनेसमैन था भाई, 2 आयरन मैन के सूट ले गया। वैसे मैं तो गाइस टोनी का दोस्त हूँ, पैसे बाद में दे दूंगा, मैं भी एक आयरन मैन का सूट रख ही लेता हूँ, ये वाला रख लेता हूँ, मजा आ जाएगा। अरे हाँ फिंकी भैया, लेकिन ध्यान से टोनी भैया आ रहे हैं। फ्रैंकलिन, ये इतने टाइम से तू सूटों को क्यों देखे जा रहा है भाई? और तुझे खरीदने हैं क्या ये? हाँ भाई टोनी, खरीदने हैं, पर पैसे नहीं है मेरे पास। तो ये कैसे खरीदने हुए? अबे तू तो भीख मांग रहा है सीधी सीधी। यार ऐसी बेइज्जती मत कर भाई, पूरा लॉस सैंटोस का परिवार देख रहा है मुझे यहाँ पर, तेरी इतनी हिम्मत ले। हाँ टोनी, क्यों मार रहा है मेरे को सूट पहनकर? कम से कम यहाँ पर पब्लिक को इन सूट के फीचर भी पता चल जाएंगे और तुझ जैसे चोर इंसान की बैंड भी बच जाएगी। भाई मैं चोर नहीं हूँ, मैं सच में तेरे को पैसे दूंगा, बस मेरे को एक सूट ही तो चाहिए। निकल यहाँ से नमूना कहीं का। तुझे पता भी है ये सूट की असली कीमत 100 करोड़ है, पर 1 करोड़ में बेच रहा हूं मैं लॉस सैंटोस वासी को। तुझे तो सूट को 10 करोड़ में भी ना दूं भाई मैं। चल निकल यहां से। ओ माय गॉड, टोनी कितना बुरा है भाई, मेरे पूरे लॉस सैंटोस सामने बेइज्जती की और उसके बाद यहां पर बोलता है कि 10 करोड़ का भी मेरे को आयरन मैन का सूट ना दे, जबकि बाकी पब्लिक को ये सिर्फ 1 करोड़ का दे रहा है। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं कहां से 1 करोड़ या 10 करोड़ लाऊं? अरे बाप रे गाइस, मैं ना टोनी की बैंड बजा के रहूंगा। 1 मिनट, टोनी ने कहा था इस मशीन में सिर्फ यहाँ पर आयरन मैन के सूट नहीं, स्टील नहीं, इंसान भी कॉपी हो सकता है। क्यों ना गाइस मैं खुद ही के क्लोन्स बना के खुद ही के बॉडी गार्ड्स बना लूं, इससे बढ़िया क्या ही होगा भाई। तो गाइस मेरे पास एक आइडिया है, चाहता हूँ और जाकर मशीन पर चुपचाप लेट जाता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं मेरे भी क्लोन्स बन जाएं और मेरे प्रोटेक्टर बने वो और टोनी की अच्छी खासी बैंड बजाएं, तो जल्दी से प्लीज वीडियो को लाइक करो और जल्दी से चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। जल्दी लाइक बटन दबा और सब्सक्राइब बटन गाइस, उसी के बाद ये मशीन काम करना शुरू करेगी। अभी तो टोनी नोट छाप रहा है, मैं बहुत जल्दी अपने बॉडीगार्ड छापूंगा। गाइस कमेंट में जल्दी से हार्ट का इमोजी और ये स्माइल वाला थोड़ा सा इमोजी भी ना स्पैम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हार्ट और ये वाला इमोजी स्पैम कीजिए, उससे ना मेरे एक साथ में भाई 1000 क्लोन बनने चाहिए, तब जाके टोनी की अच्छी खासी बैंड बजाएंगे वो, मजा ही आ जाएगा। अच्छा तो ये फ्रैंकलिन का बच्चा टोनी को सबक सिखाने के लिए यहां पर खुद के क्लोन्स बनाना चाहता है, क्यों ना इसके साथ थोड़ी शैतानी जाए, क्यों ना इस मशीन के लिए मैं कुछ खतरनाक काम कर दूं। यहां पर 2 तरह की मोड है, एक है इविल मोड, एक है नॉर्मल मोड। यहां पर इस मशीन को इविल मोड में टर्न कर देता हूं। अब जब फ्रैंकलिन के क्लोन निकलेंगे तो वो फ्रैंकलिन की बात नहीं सुनेंगे और वो मेरे वफादार हो जाएंगे और सबकी बैंड बजाएंगे, सिर्फ बुराई करेंगे। अच्छाई करने कोई कहेगा तो उसको पीट के बुराई करेंगे, मजा आ जाएगा। बल्ले बल्ले, भागो भागो, बहुत मजा आएगी। अरे यार ये फ्रैंकलिन तो गया। हाँ तो भाइयों बहनों,
देखो अभी भी बहुत सारे सूट्स रहेंगे, जल्दी जल्दी खरीद के घर जाओ, उसके बाद मैं यहाँ पर बढ़िया बढ़िया चीज़ें और ज़्यादा कॉपी करूँगा। जाओ ऐसे काम करो। अरे ये क्या हो रहा भैया, फ्रैंकलिन, अब फ्रैंकलिन तू मशीन के अंदर, एक मिनट ये फ्रैंकलिन नहीं है, ये तो फ्रैंकलिन का क्लोन है। एक मिनट, कहीं ये फ्रैंकलिन का बच्चा मेरी बात को सीरियस लेकर मशीन पर तो नहीं बैठ गया? अरे फ्रैंकी भैया, अरे फ्रैंकी भैया जल्दी उठिए, मशीन में कुछ गड़बड़ हो रही है और देखिए आपके हजारों क्लोन्स बनते जा रहे हैं अरे उठिए ना, क्या करें, लगता है ये तो यहीं सो गए। अरे उसको जल्दी से मशीन से ऊपर उठाओ, ये पूरा शहर भर देगा अपने क्लोन से। अरे क्या हुआ, क्या हुआ सिंचन? लगता है गाइस मेरी आंख ही लग गई थी लेटे लेटे। अरे कुछ क्लोन वलोन बने, या फिर ये टोनी ऐसी हवा में बातें बोल रहा था कि इंसान को भी कॉपी कर सकते हैं। देख ले तूने कितना बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया यहाँ पे। ड्रामा? ओह भाई साहब, टोनी तो इसको ड्रामा बोल रहा है। भाई ये मेरी खुद की आर्मी है। और फ्रैंकलिन गाइस कैसे हो तुम सभी? अरे बढ़िया बढ़िया, तू बता भाई। अरे इनकी आवाज थोड़ी डिफरेंट है यार, आवाज से क्या लेना देना, मेरी बात सुनो दोस्तों, यहाँ पर हम साथ मिलके टोनी की आर्मी को डोमिनेट करेंगे और दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी बनाएंगे। भाई मेरे क्लोन्स बन गए, अभी तो शुरुआत है, 1000 तो क्या 10,000 क्लोन्स बनाऊंगा और देखता हूँ टोनी का बच्चा मुझे कैसे रोकेगा। फ्रैंकलिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मशीन में से चिंगारियां उठ रही थी, तूने लिमिट ज्यादा मशीन का यूज कर लिया या कुछ गड़बड़ कर दी है? जरा एक बार चेक करिए, तेरी मदद करेंगे भी सूट्स या फिर नहीं? ये कैसी बातें कर रहा है, और वैसे भी ये सूट नहीं है भाई, मेरे दोस्त है। गाइस एक काम करो, तुम लोग ना वो जो सामने चॉपर खड़ा है ना, जाओ जल्दी जाओ और जाकर उसको उड़ा कर दिखाओ, ठीक है? जो भी सबसे पहले उस चॉपर को उड़ाएगा मैं उसको अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना दूंगा। चलो चलो जल्दी चलो। अबे नहीं सुनेंगे तेरी बात, अबे ये तो सुन रहे हैं जा रहे हैं। अरे चलो चलो चलो, अबे चॉपर को उड़ाना है, अबे मजा आ जाएगा देखना। गाइस मेरे सारे क्लोन्स इंटेलिजेंट है। अबे ये क्या कर दिया इन्होंने, अबे फ्रैंकलिन उड़ा दिया इन्होंने तो सच में चॉपर। अरे मेरा मतलब उड़ाने से था कि उसको भाई फ्लाई करना है भाई, हवा में उड़ाना है, ये क्या? अरे सब कुछ उड़ा दो, हमारे बॉस ने बोला है सब कुछ उड़ाना है। अबे फ्रैंकलिन के बच्चे कितने बुद्धू क्लोन से तेरे, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं मैंने इनसे ये नहीं बोला था। अरे मैंने बोला था हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाना है, तुमने तो भाई बॉम्ब से उड़ा डाला, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ओह माय गॉड, अबे ज्यादा बोलता है तू, तेरे को भी पीट देंगे। मेरे क्लोन्स मेरे को धमकी दे रहे हैं? अबे रुको अभी क्या, अभी गाइस टोनी तो मेरे को छोड़ेगा नहीं भाई, ये क्या कर दिया है? एक मिनट, चलो बरकुरदार फ्रैंकलिन के क्लोन्स को बर्बाद कर दो। नहीं ऑफिसर्स गोली मत चलाओ। अरे सबको मार दो, ये ह्यूमैनिटी हमारा दुश्मन है, देखो ये लोग कैसे हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चाहते हम लोग जिए। अरे ऐसा नहीं है, ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है भाई साहब, क्यों खतरनाक लड़ाई? ओ नो, पुलिस ऑफिसर से लेके कर्नल से लेके भाई मिलिट्री बेस के सोल्जर्स तक सबके सब लड़ाई में कूद पड़े, तब तो टैंक्स भी आ गए। फ्रैंकलिन हट जा वरना वो तेरे को क्लोन समझ के उड़ा देंगे। अरे टोनी इनको समझाना भाई, मेरे क्लोन्स ने थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर दिया मेरी कमांड को। गाइस मेरी बात सुनो, तुम पागल हो गए हो क्या? उड़ाने से मतलब था उसको हवा में उड़ाना। अबे ओए फ्रैंकलिन के बच्चे, चला बहुत पीट रहा है तू हमको, हाँ हम तेरी भी नहीं सुनेंगे, तेरे को पीट के भगा देंगे, हमारा जो मन करेगा हम करेंगे। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, मेरी बात सुन तो फ्रैंकलिन, मुझे लग रहा है मशीन में कुछ गड़बड़ी के कारण ये क्लोन्स तेरी नहीं सुन रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बट ये तो मेरी कमांड सुनी चाहिए, तेरे आयरन मैन के सूट तो बाकी उनके मालिक की बात सुन रहे थे। वही तो पॉइंट है, पक्का किसी ने मशीन में गड़बड़ की है। गाइस जिसने भी मशीन में गड़बड़ की है ना, आप लोग कमेंट में उसका नाम लिखो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल वो सब सोचने का समय नहीं है, जल्दी तू मशीन में जाके लेट, मैं जाके मशीन को फिक्स करता हूँ, जितने भी क्लोन्स है ना इनको इरेज करता हूँ। क्या तू ऐसा कर सकता है? अरे हाँ ना, मैंने मशीन बनाई है तो तोड़ भी मैं नहीं गुनूंगा ना। अच्छा तो ठीक है जल्दी कर भाई, इससे पहले कि क्लोन्स और डिस्ट्रक्शन फैलाए, पूरा लॉस सेंटोस देख रहा है, मेरी बदनामी हो जाएगी। टोनी जल्दी कर भाई, और ध्यान रखना मेरे को बिजली के झटके ना लग जाए। चल 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 जल्दी मशीन फिक्स कर दे और इन सभी क्लोन्स को यहाँ से भाई गायब कर जल्दी। अरे अरे भैया देखो, वो टोनी स्टार्क हमें गायब करने जा रहा है, उसको रोको। अरे बाप रे यार, इनको तो पता चल गई, थोड़ा आराम से प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए था। तो यहाँ पर गड़बड़ इस रेड बटन की वजह से आई है। और आई जॉविस सबसे पहले, इसमें तो यार करंट है, क्या करूँ जॉविस, मुझे ग्लव्स दे दो। अबे रुक तेरे को अभी जिंदगी भर के लिए बिजली से छुटकारा देता हूँ, बॉम्ब से मारूंगा और तेरी मशीन को तबाह कर दूंगा। अजी फ्रेंकी भैया, टोनी भैया पे तो गोली चल रही है। एक मिनट, कौन मार रहा है? बाबा भाई कलवा, तेरे ही क्लोन्स मार रहे हैं। अबा फ्रैंकलिन ये क्या मुसीबत बना डाली तूने, ये तो मेरी भी बैट बजा रहा है। चलो मेरे भाइयों, इस मशीन को और इस सारे के सारे खतरनाक टीम के डब्बों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओह माय गॉड, इसने तो आयरन मैन के सारे सूट भी तबाह कर दिए। भाई साहब ये मेरे क्लोन्स कोई डंब नहीं है, ये बहुत समझदार हैं, इनको पता है इनको किस चीज से खतरा है, तो इसलिए सबसे पहले उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस मशीन को भी तबाह कर दो, वरना इस मशीन के जरिए ये लोग हमें तबाह कर देंगे, हम खुद की कोई जेरोक्स मशीन बनाएंगे और खुद के क्लोन्स और बढ़ाएंगे। व्हाट, नो माय गॉड, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितने इंटेलिजेंट मेरे क्लोन्स हैं, ये सब क्या चल रहा है? भाई साहब मेरी हड्डी पसली एक हो गई। एक मिनट टोनी, भाई तो ठीक तो है ना? ओह माय गॉड सिंचन पिंचन, वहां से हट जाओ यार, आग लगी पड़ी है। टोनी कुछ बोलना। बाबा भाई कल वो लगता है टोनी अपनी जेरोक्स मशीन के साथ ऊपर वाले के पास चला गया। ओह नो,
मशीन गाइस, हमें फायर ब्रिगेड चाहिए भाई, फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, मशीन में आग लगी है, अगर मशीन ठीक नहीं हुई तो ये क्लोन्स पूरे शहर में हाहाकार मचा देंगे। चलो 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 सबके सब यहाँ पर, इन सभी को मार पीट के निकलो यहाँ से, हमें अपने काम कंप्लीट करना है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, क्या करना चाह रहे हो? अबे तेरे को क्यों बताएं, हमारे जो भी प्लान हम खुद एग्जीक्यूट करेंगे, तू होता कौन है हमको कुछ पूछने वाला? ओ माय गॉड, प्लीज गाइस मेरी बात सुनो। ओ नो, सुनचन बिनचन हटो, मैंने तुमसे बोला था। हे विकी भैया, हमने सोचा इनको नहीं पीटेंगे, हम तो इनके छोटे भाई लगते हैं। अरे तुम मेरे छोटे भाई हो, इनके नहीं हो, इनके तो तुम सबसे बड़े दुश्मन हो भाई। अबे चॉप, हमें यार टोनी को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इनको ठिकाने लगाता हूँ मैं। अरे मेरी बात सुनो दोस्तों, चलो 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 जल्दी चला जाए। ए रुको, जा कर रहे हो, डरपोक कहीं के, तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं। अरे वो मूर्ख फ्रैंकलिन हमारे टाइम के काबिल नहीं है, सबसे पहले लॉस सैंटोस वासियों को मारो। अरे भैया, अरे क्या हो रहा है, हमें फ्रैंकलिन मार रहे हैं। अबे फ्रैंकलिन हमको मार रहा है। अरे मैं नहीं मार रहा हूँ यार, मेरे बेवकूफ बेवकूफ बोलूं क्या बोलूं इनको, मेरे ये शैतान क्लोन्स तुम सबको पीट रहे हैं, प्लीज दोस्तों यहाँ से भागो। मजा आ गया, हम फ्रैंकलिन का नाम बदनाम कर देंगे, खुद का नाम भी यहाँ पर खतरनाक बना लेंगे, पूरी दुनिया हमारे नाम से डरेगी, हमारी आर्मी दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स होगी, हमारी आर्मी से तो यहाँ पर मिलिट्री आर्मी भी डरेगी। ओ माय गॉड, जितने भी लोग यहाँ पर ये सब आविष्कार देखने आए थे उन सबको मार दिया इन बेवकूफों ने, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अबे सिंचन बिंचन उठो जल्दी, हमें टोनी को यहाँ पर जिंदा करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, अगर टोनी मर गया तो मशीन कौन ठीक करेगा, और उन सभी क्लोन्स को इरेज कौन करेगा? वाह भाई कलवा, मैं क्या करूँ भाई। अरे अरे आइडिया, मैं ना गाइस टोनी स्टार को CPR देता हूँ, आप लोग कमेंट में जल्दी से ये इंजर्ड वाला इमोजी और आंखों में तारों वाला इमोजी ना ढूंढिए और स्पैम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जिससे कि हम टोनी स्टार को CPR से भाई वापस सांसें दे सकें और इसको जिंदा कर सकें। प्लीज़ टोनी, कम ऑन मेरे भाई, कम ऑन वापस आ जा, हमें छोड़ के मत जा। ये क्या हो गया गाइस, टोनी तो कुछ बोलता ही नहीं है। और बाप रे फ्रैंकलिन, एक मिनट, क्या तूने अपने एक मिनट, ये क्या हुआ पड़ा है, मशीन डिस्ट्रॉय हो गई। अरे मशीन डिस्ट्रॉय नहीं हो गई, उन्होंने यहाँ पर जितने भी लोग थे उनको भी डिस्ट्रॉय कर डाला। अरे बाप रे, अरे बाप रे फ्रैंकी भैया, अब क्या होगा है, हमारी तो नाक कट गई पूरे शहर में, पूरे शहर में लोग हमें पीटते जुलेंगे। फ्रैंकी भैया, ये आपकी वजह से वही, आपको तो जेल जाना चाहिए। अगर मैं जेल जाऊंगा तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि असली गलती तो उन क्लोन्स की है और जिसने भी इस मशीन को बिगाड़ा है उसकी है। बात तो तूने सही कही, सबसे पहले ये समझ नहीं आ रहा अवेंजर्स कहाँ गए। अरे मैं भी तो ये सोचूं, मुझे लगता है वो पक्का यहाँ से डर की वजह से स्टार्क मैंसन पहुंच गए। चलो अवेंजर्स के पास चलते हैं, प्लान बनाते हैं और सारे फ्रैंकलिन के क्लोन्स को पकड़ते हैं। वाह भाई, लेकिन मशीन का क्या, मैं नई मशीन बना लूंगा, फिलहाल इसका कुछ नहीं हो सकता है, पूरी तरह से जल गई है। अरे तो किस बात का इंतजार है, जल्दी से चलो। हाँ बाकी यहाँ पर तो अवेंजर्स भैया है ही नहीं, वो पक्का स्टार्क मैंसन ही गए होंगे। बिल्कुल सही कहा, अवेंजर्स तो भगोड़े हैं। यार डरपोक हैं लिटरली, मैं भाई मदद चाहिए थी तो भाग गए और पूरे स्टार्क मैंसन में आ गए होंगे, उनको छोड़ूंगा नहीं अगर वो मेरे को स्टार्क मैंसन मिले तो। अगर वो स्टार्क मैंसन ही मिले भाई, फिलहाल हमें उनकी बहुत जरूरत है। अरे टोनी, कोई तो है स्टार्क मैंसन में, चल दिया चल दिया चल दिया। अरे बाप रे, है कौन पता नहीं। अरे ये क्या, ये तो मेरे ही क्लोन्स हैं, ये मुसीबत यहाँ क्या कर रही हैं। एक मिनट गाइस, यहाँ पे छुप के ना इनकी बातें सुनता हूँ, ये कुछ तो कर रहे हैं। इस स्टार्क मैंसन में धरती के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, चलो सबके सब उठा लो। टोनी, वो किस वेपन की बात कर रहे हैं? अब वो थॉर के म्योनलीर और साथ साथ में स्टॉर्म ब्रेकर की बात कर रहे होंगे भाई, और वो स्टॉक मेंशन में ही तो रखे थे। ये मूर्ख अवेंजर्स कहाँ पर गए, और ये तेरे क्लोन्स ने यहाँ पर कब्जा कैसे कर लिया? इन दोनों वेपन्स को उठाने की काबिलियत हमें नहीं है, इसलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इन दोनों वेपन्स को अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं, फिर उसके बाद उठाते हैं। नहीं नहीं, अगर इन्होंने वेपन्स उठा लिए तो फिर तो भाई ये पूरे लॉस सैंटोस क्या देश को बर्बाद कर देंगे। और चलो भाइयों, मैं उठाता हूँ, और मजा आ गया, मेरे अंदर बिजली की ताकत आ गई। ओबे फ्रैंकलिन, ये क्या कर डाला इन्होंने, मैं तेरे क्लोन्स को बेवकूफ समझ रहा था, पर ये तो दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट क्लोन निकले भाई, ऐसे क्लोन तो मेरा आयरन मैन के सूट भी दिया। अरे बाप रे, नहीं फ्रैंकी भैया, अब क्या होगा, इनको रोकिए ना। अरे मेरी बात सुनते होते तो यहाँ पर हम पिट थोड़ी होते इनसे, भाई क्या पीट रहे, प्लीज पीटना बंद कर दो। अबे तुम लोग जब देखो हमारे पीछे पड़े हो, तुम्हें मरने का शौक है क्या, तो चलो तुम्हारा शौक पूरा कर देते हैं। ये ले बिजली। अबे तुम लोग ये बताओ अवेंजर्स कहाँ पर है? अवेंजर्स तो हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो गए, अब तुम कभी पता नहीं कर पाओगे कि अवेंजर्स को हमने कहाँ भेज दिया, किस लिए भेज दिया, क्या कहाँ भेज दिया भाई अवेंजर्स को। ओ माय गॉड, इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, और ये बिजली का क्या कर रहा है? चलो पूरे शहर में तूफान ला दो, घटा और बादल सबको बता दो, चारों तरफ बरसें और तड़पें और सबको तड़पाएं, बड़ा मजा आएगा, इस बिजली से पूरे स्टॉक मेंशन को मैं तबाह कर दूंगा। ओ नो भाई साहब, ऐसा मत कर, पूरा स्टॉक मेंशन तोड़ रहा है वो टोनी, कुछ कर, तेरी लाखों की हजारों की करोड़ों की रिसर्च है उसमें। ओ माय गॉड,
मैं यहाँ पे चीखता रहा रोता रहा, बट उन क्लोन्स के बच्चों ने सब कुछ तबाह कर दिया यार। ओह भाई साहब, मैं फ्रैंकलिन मैं बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा आविष्कार था और तू भी मेरी जिंदगी में मुझे बर्बाद करने आया है। अरे नोनी मुझे माफ कर दे यार, मेरे ये भी इंटेंशन नहीं थे भाई, किसी ने गड़बड़ की है तभी ये क्लोन्स मेरी बात न सुनकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई तो गाइस इनको कंट्रोल कर रहा है, और जो इनको कंट्रोल कर रहा है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसकी बैंड बजा दूंगा। अगर आपको पता हो मेरे क्लोन्स को कंट्रोल कौन कर रहा है तो प्लीज जल्दी कमेंट में बताइए। अबे पिंचन उठना, हे हे फिकी भैया क्या हो गया, टोनी चल अब मैं कहाँ जाऊँ, कुछ नहीं बचा, अवेंजर्स भी नहीं रहे, मैं क्या करूँगा। नहीं टोनी तू ऐसे हार नहीं मान सकता भाई, मुझे और इस पूरी दुनिया को तेरी इस समय पर सबसे ज्यादा जरूरत है, तुझे ही यहाँ पर इस सबका सॉल्यूशन ढूंढना होगा, और तू क्या करेगा तबाही बर्बादी इसी तरह से। नहीं टोनी मैं तेरा साथ दूंगा, प्लीज मुझे बस मौका दे, मैं पता करके रहूंगा किसी ने मशीन में गड़बड़ की है, मैं उसको मत छोड़ूंगा नहीं, तू यहीं पर रह ठीक है। भाई सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि असल में भाई बाकी अवेंजर्स कहाँ पर है। टोनी प्लीज उठ जा भाई, पिछले एक डेढ़ घंटे से मैं यही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ पर कोई नामो निशान नहीं है। नामो निशान होगा भी कहाँ, इन मूर्खों ने पक्का अवेंजर्स को स्टार्क मैंशन में बंद करके मार दिया होगा, कुछ भी हो सकता है, मेरी तो उम्मीद ही मिट गई है। वाह भाई टोनी हम तेरे साथ है भाई, वाह तू चिंता मत करो हम अवेंजर्स को ढूंढ लेंगे। अरे हाँ अवेंजर्स बहुत कीमती है, वैसे उनको मारेंगे नहीं। क्या फायदा, मैं तो बर्बाद हो गया। ओ नो गाइस ये सब मेरी वजह से हो रहा है। गाइस मेरी तरफ से प्लीज टोनी को सॉरी, सॉरी टोनी स्टार्क लिख दीजिए ना, क्या पता है मेरे को माफ कर दे भाई, ये तो मेरे से बात भी करना नहीं चाहता है। वाह भाई अगर तुम दोनों ऐसे साथ में मिलकर काम नहीं करोगे तो ये तबाही बढ़ती जाएगी। भाई ये क्लोन्स कहाँ जा रहा है भाई ट्रक में बैठ के, एक मिनट कहाँ जा रहे हैं ये, चलो 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 हमें बहुत जरूरी काम को अंजाम देना है। एक मिनट मुझे लगा था इनका स्टार्क मेंशन उड़ा रहा है सबसे बड़ा काम होगा, पर ये बेवकूफ तो अभी भी ये बेवकूफ तो ये है ही नहीं, ये जो भी है ये तो अभी भी ये बोल रहे हैं कि भाई इनका सबसे बड़ा काम को अंजाम देने रह गया है। ऐसा कौन सा काम है गाइस, अब तो मुझे पक्का ट्रस्ट है अवेंजर जिंदा है टोनी, मैं तुझसे वादा करता हूँ पक्का इन्होंने अवेंजर्स को किसी बड़े काम के लिए छुपा के रखा है। चलो पीछा करता हूँ पता करते हैं कि चल क्या। एक मिनट गाइस इनका एक क्लोन मतलब एक मेरा ही क्लोन यहाँ पर खड़ा है, मैं इनका इनका क्यों कहता हूँ, ये मेरे ही तो क्लोन्स हैं। वैसे गाइस देखिए टोनी कहाँ जा रहा है, अरे हम झाड़ियों में छुप रहे हैं। अच्छा 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 सुनो मेरी बात, सारे के सारे जितने भी अवेंजर्स हैं ना हैं, अच्छा वो उस लोकेशन में ठीक है, मैं अभी के अभी वहीं पे पहुंच रहा हूँ। हाँ हमारी बाकी की आर्मी लॉस सेंटोस के मेज बैंक पे पहुंच गई है अपना बाकी काम करने, बिल्कुल मशीन बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी मेज बैंक की। ठीक है क्या अवेंजर्स को ब्लैक रिवेंजर के घर पे रखा गया, ठीक 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 मैं वहीं पहुंचता हूँ। ओके फाइनली अवेंजर्स के बारे में पता चल गया, अब इसकी बैंड बजा देता हूँ। तो गाइस असल में इन क्लोन्स की दो टीम है, एक टीम मेज बैंक गई है मशीन बनाने, आई थिंक ये उसी मशीन की बात कर रहे हैं जिससे कि अपनी अपनी आबादी को और ज्यादा बढ़ा पाए। टोनी मुझे पता चल गया अवेंजर्स कहाँ पर है, कहाँ पर है मेरी बात सुन, सबसे पहले हमें यहाँ पे फैसला लेना होगा कि हमें जाना कहाँ पर है। कहने का क्या मतलब है, दो लोकेशन के बारे में पता चला है, पहला ब्लैक रिवेंजर्स जहाँ पर अवेंजर्स को पूरी तरह से बंदी बना के रखा गया है। क्या और दूसरा क्या, दूसरा असल में मेज बैंक, अभी जो ट्रक वाली आर्मी निकली है ये लोग सीधा मेज बैंक है क्योंकि ये वहां पर कोई जेरोक्स मशीन बना रहे हैं जिससे कि अपने क्लोन्स की आर्मी बढ़ा सकें। अरे बाप रे एक काम करते हैं, दो बंदे जाते हैं मेज बैंक और दो बंदे जाते हैं ब्लैक रिवेंजर के पास। नहीं नहीं साथ रहना ही सही रहेगा भाई साहब, चलो तुम मेरे साथ ही चलो, हम सबसे पहले अवेंजर्स को बचाएंगे। मशीन बन भी गई तो क्या होगा, हम उस मशीन का उल्टा इस्तेमाल करके उनको इरेज कर देंगे। बात तो सही कही फ्रैंकलिन तूने, पहले अवेंजर्स को बचाना जरूरी होगा। बिल्कुल भाई कोई सीरा ब्लैक रिवेंजर का घर, भाई साहब ये ब्लैक रिवेंजर इतना बड़ा कैसे हो गया। अजी लगता है वो आजकल कुछ ज्यादा कसरत कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया कैसे करते करते। नहीं 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 कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ तो उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। और ब्लैक रिवेंजर की आर्मी मतलब मेरे क्लोन्स ब्लैक रिवेंजर की बात क्यों सुनेंगे। नहीं गाइस दाल में कुछ तो काला है, मेरे क्लोन्स किसी और की बात सुन रहे हैं, कोई तो है। अरे हमको छोड़ दो, हल्को भूख लगी है, ये मोटा काला रिवेंजर कब से खाया जा रहा है, बकवास बंद कर हल्क वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। फ्रैंकलिन वो इंसान तो जाना पहचाना लग रहा है ना। अरे तो वो ब्लैक रिवेंजर ही तो है। अरे नहीं 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 एक और है। ओ भाई कलवे भाई ये तो हूँ बहु तेरी जैसी शक्ल का इंसान है। अरे ब्लैक रिवेंजर मेरे जैसा कब से दिखने लगा, वो नहीं तू समझा नहीं, अवेंजर्स की साइड में एक और इंसान खड़ा है जो इन सभी तेरे क्लोन से बातें कर रहा है। व्हाट मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अबे थोड़ा सा कैमरा उधर करना तब दिखेगा तुझे। अगले 10 मिनट में वो कॉपी जेरोक्स मशीन कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं अपने क्लोन्स बनाऊंगा। अरे बिल्कुल सही कहा बॉस आपने, आपने तो उस फ्रैंकलिन की अच्छी खासी बैंड बजे। अरे ये तो अभी शुरुआत है, उस मूर्ख को तो पता भी नहीं है कि उस मशीन में गड़बड़ी मैंने की थी जिस वजह से तुम सभी मेरे गुलाम बन गए और फ्रैंकलिन के दुश्मन। देखा टोनी इसका मतलब ये ब्लैक फ्रैंकलिन का बच्चा था। ओह
एक मिनट, एक क्लोन जा कहाँ रहा है? पक्का ही मेज बैंक पे जा रहा होगा। ये लोग पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। टोनी अब क्या करें भाई, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वाह भाई, कल हुआ तब से पहले उस ब्लैक रिवेंजर को पीटना पड़ेगा। नहीं यार, वो बहुत बड़ा है। फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, मेरा एक प्लान देख तो। अरे हेलो, अरे मुझे बचा ले ब्लैक फ्रैंकलिन, हेलो ब्लैक फ्रैंकलिन मुझे बचा ले। अरे ये टोनी क्या कर रहा है? अरे वो फ्रैंकलिन और उसके क्लोज मुझे मार देंगे। मुझे फ्रैंकलिन से बड़ा दुश्मन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं दिखता। इससे बढ़िया तो तू मुझे इस पिंजरे में अवेंजर्स के साथ बंद रख ले भाई, लेकिन मुझे बाहर मत छोड़। अवेंजर्स अवेंजर्स के साथ रख ले मुझे। अच्छा, तो ये टोनी का बच्चा भी यही सोचता है कि फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन के क्लोन एक साथ हैं। इसको तो पता ही नहीं बेवकूफ को कि फ्रैंकलिन के क्लोन मेरे लिए काम करते हैं। ले, ओ माय गॉड, अबे टोनी ये कैसी चाल थी तेरी? ये क्या बेवकूफ पंती कर दी तूने? वो ब्लैक फ्रैंकलिन सब जानता है। मुझे पता है तू अवेंजर्स को पक्का यहाँ छुड़ाने आया होगा। मैं बेवकूफ नहीं जो तेरी चाल में चल जाऊंगा। अब क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से और आज के बाद वापस मत आइए। वाह भाई कलवे, वाह भाई, टोनी का तो प्लान अच्छी तरह से खराब हो गया। अही, इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं गोली से जाके बताऊंगा। अरे रुको, नहीं नहीं सिंचन, अरे यार गाइस ये सब पागल हो गए। लिटरली मैं ब्लैक फ्रैंकलिन अभी बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके साथ ब्लैक रिवेंजर है, मेरे पूरे क्लोन्स की आर्मी है। छोटे बच्चे, आलू किसी शक्ल के बच्चे को ज्यादा बोल रहा है तू? अभी बड़े बता। नहीं मम्मी। बाबा मुझे, बाबा मुझ पे क्यों फेंक के मारा है सिंचन को भाई? अरे यार ये क्या हो रहा है? पिंचन तू यहीं खड़ा रहे, सिंचन चुप। अरे कहाँ गए तुम लोग? ओ भाई साहब, मैंने बोला था हमें सबसे पहले प्लान बनाना चाहिए था। अबे फ्रैंकलिन क्या प्लान बनाए तू ही बता। मेरे पास एक आइडिया है गाइस, जैसे मेरे क्लोन्स हैं ऐसा ही मैं दिखता हूँ, क्यों ना मैं भी अपना एक क्लोन बनकर जाऊँ और ब्लैक फ्रैंकलिन से बोलूँ कि यहाँ पर जो काम उसने बोला था वो कर दिया, और यहाँ स्टॉक मेंशन पर जो बात कर रहा था क्लोन में वो बन जाता हूँ। अरे अरे बॉस सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे हाँ ना बता क्या कह रहा है तू? अरे वो जो टोनी स्टॉक है वो असल में मेरी बात सुन लिया। अरे उसकी तो मैंने अच्छी खासी बैंड बजा दी। बाकी ये बता फ्रैंकलिन कहाँ पर है? अरे फ्रैंकलिन को भी मैंने स्टॉक मेंशन में पकड़ रखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी एवेंजर्स को भी वहाँ लेके चलते हैं ना, मैं जहां पर मशीन बन रही है। मैं जब ये भी कॉल आया मशीन बन चुकी है। अच्छा ये प्लान तो अच्छा है, चल तो चल जल्दी से मशीन के पास, सारे एवेंजर्स को लेके जा। ऑल राइट गाइस, देखा इसका उल्लू बना दिया। एवेंजर्स तुम लोग चिंता मत करो, एक बार तुम लोगों को बचा लिया फिर उसके बाद ब्लैक फ्रैंकलिन खबर नहीं। फ्रैंकलिन के क्लोन हमसे दूर हट जाए, हम तेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। अरे अरे चलो जल्दी जल्दी चलो यहाँ पर। मेरी बात सुनो गाइस, मैं ये आवाज बदल के बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा अपना फ्रैंकलिन नहीं हूँ, हल्क को कोई उल्लू नहीं बनाएगा। अरे चलो जल्दी चलो, तुम लोगों को मुझे मेज बैंक लेके चलना है, हमारे ब्लैक फ्रैंकलिन बॉस ने बोला है। देखा तू असली फ्रैंकलिन नहीं है, तू फ्रैंकलिन का क्लोन है, हल्क तुझे फोड़ेगा। अरे हल्क मैं असली फ्रैंकलिन हूँ। अरे कोई बचाओ। अबे पिंचन पीछे क्या खड़ा है बता हल्क को। गाइस प्लीज कमेंट में जल्दी लिखिए, हल्क तो मेरा भरता बना रहा है भाई, ये तो अच्छा खासा पीट रहा है। अबे अबे हल्क रुक जा, क्या कर रहा है तू? अरे यार ये क्या, अबे हल्क कभी दिमाग भी चला लिया कर बर्गर खाने की जगह, ये हमारा फ्रैंकलिन था। अबे इसने यहाँ पर खुद के क्लोन बनने का रोल किया और तुमको बाहर निकाला। अरे हल्क से गलती हो गई। खैर गलती छोड़ो, मेरी बात सुनो, हमें अभी के अभी यहाँ पर ब्लैक रिवेंजर और इस ब्लैक फ्रैंकलिन की अच्छी खासी बैंड बजानी पड़ेगी और जाकर सीधा मेज बैंक फ्रैंकलिन के क्लोन्स को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो मेज बैंक में भाई कोई मशीन बना रहे हैं जिससे कि वो क्लोन्स को और ज्यादा गुना बना लेंगे। उठी कसम ये तो मुसीबत हो जाएगी। तो जल्दी चलिए ना, किस बात का इंतजार है? बिल्कुल अभी चलते हैं। अरे चलो चलो जल्दी चलो। अरे अभी तक ये एवेंजर्स क्यों नहीं आए? हमें एवेंजर्स की जरूरत है, हमें एवेंजर्स की भी। ये क्या चल रहा है? अबे ये क्या फ्रैंकलिन, ये तो पूरी क्लोन की आर्मी इधर ही आ गई। ओह नो, हो गई गड़बड़। अबे तुम्हारी बैंड बजाता हूँ, हम इतने टाइम से यहाँ पर अवेंजर्स का वेट कर रहे हैं और ये अवेंजर्स जाल में से बाहर निकले पड़े हैं। अरे ब्लैक फ्रैंकलिन बॉस ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है उधर? देखिए यहाँ पर पूरे अवेंजर्स फ्रैंकलिन के साथ और टोनी स्टार्क के साथ खड़े हैं। ओह नो गाइस, ये क्लोन की आर्मी कहाँ से आ गई यहाँ पर? चलो 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 इन सबको अभी के अभी खत्म कर दो और सबके सब अवेंजर्स को लेके चलो यहाँ पर सीधा मेज बैंक, उन सबके क्लोन बनाकर हम पूरी दुनिया में राज करेंगे। तुम लोग छोड़ो गाने, अरे फ्रैंकलिन एक मिनट, ये सब क्या हुआ? अवेंजर्स कहाँ गए? वो ले गए होंगे पक्का, वो अवेंजर्स को स्टॉक मेंशन। नहीं नहीं वाह, एक मिनट, ये क्या ब्लैक रिवेंजर को भी मार गए वो लोग? वो भाई साहब ये सब क्या चल रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, ब्लैक फ्रैंकलिन इसको भी पीट गए। अरे ये क्या, मुझे लगता है गाइस फ्रैंकलिन के जो क्लोन्स हैं उनका प्लान को छोड़िए, वो नहीं चाहते कोई भी उनका बॉस बने, इसलिए वो खुद का बॉस बन रहे हैं भाई। फ्रैंकलिन, अबे फ्रैंकलिन ही है या फिर उसका क्लोन है तू? फ्रैंकलिन
अगर ये तू है तो जल्दी उठ जा फ्रैंकलिन, मेरी बात सुन, वो लोग अवेंजर्स को ले गए हैं। फ्रैंकलिन एक मिनट टोनी, एक मिनट, तुझे पता है मैंने देखा वो मेरे क्लोन्स ने यहाँ पर ब्लैक फ्रैंकलिन और ब्लैक रिवेंजर को बहुत बुरी तरह से पीटा। हाँ मैंने अभी अभी देखा, वो बेहोश पड़े हैं। पर वो ऐसा करेंगे क्यों? अरे उन्होंने खुद बोला था वो किसी के गुलाम बन के नहीं रहना चाहते, वो इस दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हैं। ऊपर से अब तो वो अवेंजर्स के क्लोन भी नहीं बनना चाहते, ना ही सिंचन विंचन चौक को। तो फिर वो लेके क्यों गए? अरे वो उनको मारना चाहते हैं, ये भी नहीं पता कि वो गए कहाँ पर है। अरे बापरे, सबसे पहले हमें यहाँ पर डॉक्टर मिक्सर से मिलना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर मिक्सर से क्यों? वो यहाँ पर हमें इसका तोड़ बता पाएगा। मैंने डॉक्टर मिक्सर के साथ मिलकर वो मशीन बनाई थी और मेरे तो मजा आ गया। एक मिनट, डॉक्टर मिक्सर यहाँ पर तो इतना खुश है, सिंचन विंचन चौक और साथ साथ में अवेंजर्स लापता है। और बापरे, लेकिन बच्चा लोग मैं खुश ना हूं तो क्या हूं? कहने का क्या मतलब है? मुझे फाइनली पता चल गया, वो जो जेरोक्स कॉपी मशीन है जिसको उस बेकार से ब्लैक फ्रैंकलिन ने बिगाड़ दिया था, उसको कैसे ठीक किया जाए? कैसे? असल में फ्रैंकलिन के क्लोन के पास एक गन है, उसी गन का इस्तेमाल करके फ्रैंकलिन के क्लोन्स को हराया फिर माया पर जा सकता है, ऊपर से उस मशीन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत सही हो गया। लेकिन अवेंजर्स कहां पर है? फ्रैंकलिन एक काम कर, न्यूज पर चेक कर क्या चल रहा है, शायद न्यूज पर हमें कोई लीड मिल जाए। बहुत तो तूने सही कही गाइस, कहीं वो स्टॉक मेंशन ना ले गए हो अवेंजर्स को। चलो चेक ही कर लेते हैं न्यूज पर। अरे बाप रे, आज की ताजा खबर, फ्रैंकलिन के क्लोन्स ने फाइनली जेरोक्स मशीन बना ली है और अपने वो हजारों तो क्या लाखों क्लोन बनाने जा रहे हैं, पर उससे पहले वो सारे अवेंजर्स को मेज बैंक से गिराकर एग्जीक्यूट कर देंगे, छोटे छोटे बच्चों को, सिंचन विंचन चौक को भी। ओह नो, इसका मतलब जहां वो अपने क्लोन्स की मात्रा बढ़ाएंगे वहीं वो हमारे अवेंजर्स को इस दुनिया से कम कर देंगे। भाई साहब, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं टोनी, जल्दी कर, वो कभी भी यहां पर मेज बैंक से अवेंजर्स को फेंकते होंगे। सिंचन विंचन चौक को भी छोड़ रहे हैं वो। फ्रैंकलिन, ड्रोन से चेक कर, चल क्या रहा है ऊपर? हाँ बात तो सही कही गाइस, जल्दी देखते हैं। और राइट, हमने ड्रोन एक्टिवेट कर लिया, अब पता चलेगा। अरे हल्को मत फेंको, आवाज आ रही है फ्रैंकलिन, देख देख देख, ओह माय गॉड, ये क्या? अरे इनके क्लोन्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं भाई, इतने सारे तो यहाँ खड़े हैं, इतने सारे उधर हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ हैं। और एक मिनट गाइस, एक क्लोन यहाँ पर लेटा है मशीन पर, आई थिंक इन्होंने मशीन का काम शायद अभी रोक दिया है। अरे सबसे पहले ये अवेंजर्स के बच्चों को मारते हैं पीटते हैं, उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे। हम तो अवेंजर नहीं है। भाई मैं भी अवेंजर नहीं हूँ, मुझे तो छोड़ दो। हल्क भी अवेंजर नहीं, आज से हल्क को भी छोड़ दो। भाई साहब, हमें जल्दी अवेंजर्स को बचाना पड़ेगा, किसी भी सेकंड वो अवेंजर्स को स्टॉक मेंशन से गिरा सकते हैं। गाइस यहाँ से ऊपर पहुंचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चलो अवेंजर्स के बच्चों, बहुत तुम रो लिए, बहुत धो लिए, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारी बस इसलिए जरूरत थी जिससे कि टोनी स्टार्क और फ्रैंकलिन कुछ पागलपंती करके हमारी मशीन डिस्ट्रॉय ना कर दें। पर अब जबकि हमारी मशीन बन चुकी है और हमारे क्लोन्स भी ज्यादा, अगर वो आएंगे भी तो हम उनको बहुत बुरी तरह से पीट के भगाएंगे। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। फ्रैंकलिन भैया बचाइए। अब फ्रैंकलिन, मेज बैंक के तो लिफ्ट भी बंद है, हम ऊपर कैसे जाएंगे? अरे यार, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि मैं बहुत जल्दी ऊपर जा पाऊं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ तो होगा। अरे टोनी एक मिनट, सोने का प्लेन? भाई साहब, इसी प्लेन में बैठते हैं। तेरे को प्लेन उड़ाना आता भी है? अरे हाँ, मैंने दो चार बार उड़ाया, थोड़ा फोड़ा थोड़ा बस है, लेकिन बट मैं उसको उड़ा तो लूंगा ही। वैसे भी इस प्लेन को लैंड थोड़ी कराना है, प्लेन को बस मेज बैंक के ऊपर से ले जाना है जिससे कि हम वहां से जंप मार पाए। अरे बापरे, ओह माय गॉड गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप लोग प्लीज कमेंट में जल्दी से फ्रैंकलिन ओपी लिख दीजिए जिससे कि मैं अपने क्लोन्स को रोक पाऊं और सारे के सारे अवेंजर्स सिंचन विंचन चौक की जान भी बचा पाऊं। ओके दोस्तों, मेरे पास बस एक चांस है, कम ऑन फ्रैंकलिन, 1 2 3। पैराशूट खुल, अरे खुल खुल, अरे पैराशूट खुलने से पहले ही बैंड बज गई। कोई नहीं गाइस, फाइनली, ओ माई गॉड, प्लेन देखिए भाई साहब कहाँ जाके टुकराया है। फ्रैंकलिन, हम फाइनली यहाँ पे पहुंच तो गए। अबे अवेंजर्स कहाँ गए? वो तो इधर ही थे, वो गिर तो नहीं गए? नहीं नहीं, मुझे लगता है वो दूसरी साइड थे। हल्को बचाओ। अबे बहुत रोते हो तुम लोग, चुपचाप गिर तो या फिर मैं लात मार के फेंकू तुमको। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अभी बताता हूँ तेरे को मैं। ले, अरे ले, अरे ये क्या? अबे कौन है? मुझे कौन मार रहा है? मैं, अरे गाइस, ये वो शायद गन है जिससे यहाँ पर इन सभी क्लोन्स को हराया जा सकता है। ओए कसम, अरे हमें मत मार। अरे मैं रियल फ्रैंकलिन, तुम्हें क्यों मारूंगा? चलो गाइस, अब इस गन का इस्तेमाल करके इन सभी क्लोन्स का सफाया किया जाए। अरे अरे अरे, कौन मार रहा है हमको? तो लगता है असली फ्रैंकलिन है। गाइस, आप लोग कमेंट में जल्दी से ना एक्सप्लोसिव बॉम्ब का एक इमोजी स्पैम कीजिए, ज्यादा ज्यादा बॉम्ब वाला इमोजी। उसके बाद ऐसा खतरनाक धमाका करूंगा ना जिससे कि इन सभी फ्रैंकलिन के क्लोन्स की बैंड बज जाए। बाकी इस मशीन को ना मेज बैंक से नीचे फेंक देते हैं जिससे कि मशीन का इस्तेमाल करके और क्लोन्स ना बना पाए। बहुत बढ़िया क्या फ्रैंकलिन तूने? ऑलराइट, यहां पर जितने भी 150 क्लोन थे उनकी बैंड बज गई, लेकिन अभी भी सिटी में भाई हजारों की तादाद में मेरे क्लोन्स फैले पड़े हैं। हमें उनका भी सफाया करना पड़ेगा और जेरोक्स मशीन को भी स्टॉक मेंशन ले आना पड़ेगा। अवेंजर्स एक काम करो, नीचे जाओ और जाकर जेरोक्स मशीन को सीधा स्टॉक मेंशन पहुंचाओ। ऑलराइट गाइस, 3 दिन लगे भाई मुझे और अवेंजर्स को हमारे क्लोन्स को क्लियर करने में। लेकिन मजा आ गया गाइस, हमने जेरोक्स मशीन से ना भाई यहां पर सोने के क्लोन्स बनाए, कॉपी कॉपी कर डाले और सोने की गाड़ियां, सोने के प्लेन्स।
अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को पार्ट टू आए तो जल्दी से वीडियो पर 400 कमेंट कंप्लीट कर दीजिए, और हाँ स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगी। थैंक यू सो मच।